ग्वालियर में कोरोना धीरे धीरे फिर से घातक रूप लेने लगा है। इस बार कोरोना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुष्पैनी महल जय विलास पैलेस में प्रवेश कर गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महानारीमन सिंधिया बीते रोज संक्रमित हो गए थे, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महल में जाकर 58 लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। बता दें कि सीएमएचओ कार्यालय ने महानारीमन सिंधिया सहित 6 मरीजों को कोविड होने की पुष्टि की है। बीते 24 घंटों में 5 मरीजों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है, इनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। बालाबाई का बाजार में रहने वाली 47 वर्षीय महिला को हृदय संबंधी परेशानी होने पर लिंक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे दिल्ली के लिए रेफर किया गया। अन्य 3 महिलाएं फालका अपार्टमेंट टेकनपुर और पटेल नगर की रहने वाली हैं। सनवैली में रहने वाली 54 वर्षीय व्यक्ति को भी कोरोना हुआ है, ये सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं जेएच में भर्ती वृद्ध की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।